एक नंबर रोड, और इतना बड़ा गाड़ी लेके जाने के लिए देखिए माल कैसे कैसे रोड में मंगा लेता है। देखिए अगर उधर से कोई फोर व्हीलर भी आएगा ना तो आपका गाड़ी पास नहीं हो पाएगा, एकदम फिक्स में जा रही है गाड़ी। कितना जाम है, आराम से पकड़ के। हाँ मारो मारो मारो, आराम से मारना, धीरे से इस साइड मार। हाँ कौन हेलो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता था कि हमारा गिरीश हुआ था पहले, और एक ट्रिप के बाद जब हम आए यहाँ पे तो देखे तो टायर खा रहा है, तो फिर देखिए हमारी गाड़ी लोड है, आपको भी खाद है, गाड़ी लोड है, और देखिए ये खुला हुआ था गिरीश, फिर इसको चेक किया गया, देखिए अभी टायर देखा कितना जाम है, नहीं घूम रहा, उस साइड वाला टायर खुला है, उधर भी चेक कर रहा है क्या दिक्कत होगा क्या नहीं, और आपको दिखा दें ये टायर भी खा रहा है, ये वाला टायर जो है अंदर साइड से खा रहा है, और सबसे ज़्यादा टायर खा रहा है पीछे का ट्रॉली का, आप देख सकते हैं। इसमें मोबाइल में पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, देखिए ऐसे देखिए, ये जो गुटी है ना ये वाला ये खा रहा है ज़्यादा, और इधर भी हल्का सा खा रहा है, तो गिरीश होने के बाद भी तीन चार टायर खा रहा है अभी, यही दिक्कत है, अगर सही से नहीं चेक होगा तो ये प्रॉब्लम होता है। ये तो कहाँ से घुसा, उधर से अंदर से ठेल के लेके आया, रास्ता नहीं है, ये हम लेके आ गया, इसमें फिट करेगा, सब इधर से ही लेके आओ नीचे से, सही है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोड करके, सॉरी लोड तो कल ही का हो गया था हमारा, अभी गाड़ी का गिरीश वर्जिंग करा के निकले हैं, अभी तेल और सब फाइनल हो गया, लेकिन नहाया नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हालात में है, अभी आगे मालिक बोला कि यहाँ से गाड़ी निकाल दो, आगे जाकर नहाना है, यहाँ से मरसा गाड़ी लगभग 25-30 किलोमीटर है, वहाँ जाकर नहाए, वहाँ जब फ्रेश हो गए उसके बाद, क्योंकि एक दिन गाड़ी हमारा डिटेन हो गया, क्योंकि आज के डेट का शुरू हो गया है, कल हमको पहुँचना है, और आज हम मतलब कि अभी 2 बज रहा है, हमको नहीं लगता है कि कल पहुंच पाएगा, कल पहुंचना है तो रात भर गाड़ी चलाना पड़ेगा तभी हमारा गाड़ी पहुंच पाएगा, क्योंकि जिस रास्ता से ओबिल का दिया है लोकेशन उस रास्ता से जाएंगे नहीं, वो रास्ता बहुत खराब है, हमको टाटा होके जाना पड़ेगा, और टाटा होके जाएंगे तो 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अभी शाम का 5 बज रहा है, अभी हम हैं चंडीखोल टूल गेट पे, और देख सकते हैं अभी हमारा गाड़ी पूरा लोड होके वहाँ से चल के यहाँ तक आया है, ये है हम लोगों का बेल्ट, जो ये रस्सी मारने के बाद भी हम लोग ये बेल्ट मार देते हैं, तो ढीला हो गया था थोड़ा, तो देखिए हम 7 बेल्ट लगाए हैं टोटल, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट में 7 है, 7 बेल्ट लगा था, और तिरपाल हमारा बहुत ही बेहतरीन बांधा गया है, पीछे से आप देख सकते हैं, देख लीजिए कितना बेहतरीन तिरपाल बांधा गया है, और ये इस माल में बहुत ही मतलब कि डेंजर रिस्क रहता है कि प्लास्टिक का बस्ता रहता है, थोड़ा भी ढीला होगा तो आपका माल चला जाएगा, सड़क जाएगा इधर, इसलिए इस वजह से हम लोग बेल्ट वोट ले लेते हैं, और बेल्ट रहता है तो मान लो हेल्पर तो है नहीं गाड़ी में, तो जहाँ भी ढीला होता है तो थोड़ा बेल्ट आप टाइट कर सकते हैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी पारादीप से यहाँ पर 5 बज गया, अभी चंडीखोल आते आते 2 घंटा लगा हमको, और कल का हमारा टाइम है, अभी जाना है 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर जाना है, तो इसके लिए हमको रात भर गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो देखते हैं कि टाइम से हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को हमारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब निकलते हैं हम यहाँ से, टायर और सब चेक कर लिए, टायर और सही है, देख सकते हैं दोस्तों रस्सी कितना ढीला हुआ है, देख रहे हैं पूरा रस्सी ढीला हो गया है, और हमारा बाएं साइड का मिरर चलते चलते गिर गया, देखिए पूरा कंप्लीट लेके आना पड़ा हमको, यही का टूटा है, ये देख रहे हैं पूरा सड़ गया है, फैल गया है, अभी लेके आए इसको लगाएं। हेलो दोस्तों, अभी लगा दिए हैं हम, अभी निकलेंगे देखिए, और मालिक बोल रहा है कि वैसे ही जाओ, आप बताओ कि जब हेल्पर नहीं है और ये बाएं साइड का मेन होता है, अभी ये फिट कर दिए, ये वाला खुल नहीं रहा था पुराना वाला, तो ये पुराना रहने दीजिए, नया यहाँ से लगा लिए स्प्रिंग के साथ में,
देखिए अभी सही हो गया। हमारे गाड़ी में हेल्पर नहीं है और जाना है सिंगल वाले रोड में, तो बताइए दिक्कत होगा कि नहीं होगा। मालिक बोल रहा है कि वैसे ही जाओ, गाड़ी 10 बजे तक पहुंचाना जरूरी है। तो ठीक है अभी तो हो गया, अभी निकल रहे हैं। एक नंबर रोड, और इतना बड़ा गाड़ी लेके जाने के लिए देखिए माल कैसे कैसे रोड में मंगा लेता है। देखिए अगर उधर से कोई फोर व्हीलर भी आएगा ना तो आपका गाड़ी पास नहीं हो पाएगा। खराब रास्ता है ना, देखिए ये माल हमारा इधर, अगर ये बेल्ट देखिए कितना नजदीक में है, एक ये है पास में और एक यहाँ है, मतलब 3 फुट का गैप है और फिर भी हमारा जो बोरी है देखिए इधर पूरा भाग आया है। इसलिए भाग आया है कि जो रस्सी है ना ये पूरा ढीला हो गया। देखिए ये अगर ये बेल्ट ना होता, वो तिरपाल टाइट करके नहीं रखा होता ना, तो ये गिर जाता। हम बोले थे बेल्ट दो तो मना कर रहा, बोलता है कि बिना बेल्ट का ही गाड़ी जाएगा। और ऐसे ऐसे रास्ता में हम लोग आना पड़ता है। फिलहाल अभी दोस्तों आप लोगों के दुआओं की वजह से आज हम पहुंच गए हैं। तकलीफ तो हुआ है और क्या क्या घटना घटा है रात में हम आपको बता दे रहे हैं। अभी फिलहाल कंपनी के पास पहुंच गए हैं, इसका नाम है सूरज लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे बोरी वोरी बनता है प्लास्टिक का और हमारे गाड़ी में तो वही प्लास्टिक पॉलीमर लोड है, आप लोगों को पता ही है। अभी चलते हैं, चालान ले लिए हैं, चल रहे हैं थोड़ा एंट्री करने के लिए, क्या बोलता है देखें कब खाली करेगा। अभी तिरपाल उरपाल खोले नहीं है, बोला है कि लेबर आएगा तब खोलेंगे, तो हम बेल्ट वेल्ट खोल के रख लिए हैं, बोला यहीं पे खाली होगा और देखते हैं कब तक खाली होता है। हम इंतजार करते हैं और गाड़ी का खाली होगा और कहाँ जाएंगे लोड करने के लिए, किधर से जाना है, रास्ता बहुत खराब है, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।